मामा कल पहला रोजा है। हाँ बेटा, अगर आज चांद नजर आ जाते तो कल पहला रोजा होगा। मामा मैं भी कल का रोजा रखूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे, अल्लाह आपको पहले रोजा रखने की हिम्मत अता फरमाए। मामा शाम होने ही वाली है, कल रोजा होगा या नहीं हमें कब पता चलेगा? बेटा थोड़ी देर में चांद की रोयत का वक्त हो जाएगा। आप ऐसा करो, जाके टीवी ऑन करो, जब चांद नजर आ जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है मामा, मैं अभी जाकर ऑन करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुफियान, मैंने आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट सेंड की है, आते हुए प्लीज उनको ले आइएगा। और ये बताया आप कब तक आ जाएंगे? बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर तक पहुँच जाऊँगा। अली क्या कर रहा है? मैंने उसे अभी टीवी ऑन करने के लिए बोला है, अपने पहले रोजे के लिए काफ़ी एक्साइटेड है वो। चले आप जल्दी आ जाइए। रमजानुल मुबारक के चांद से मुतालिक महकमा मौसमियात का कहना है, माह सियाम का चांद गुज़िश्ता सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त चांद की उम्र 35 से ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। आज शाम बेशतर इलाकों में मतला साफ़ या जुज़्वी अबरारलूद रहने का इम्कान है। आज शाम ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब कमर का फ़र्क 71 होगा। अली बेटा, दरवाजा खोलना, आपके पापा आ गए होंगे। ठीक है जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अली बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो चांद नजर आया कि नहीं? नहीं पापा, अभी तो नजर नहीं आया। चलो आप ये सामान मम्मा को किचन में दे आओ, फिर हम चांद देखने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आज चांद नजर आ जाए। ठीक है पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या खबर है चांद के हवाले से? शहादतें मौसूल हो रही हैं, इंशाल्लाह सुबह रोजा होगा। आज तो शायद हम भी चांद को देख पाएंगे। आपको बताते चलिए, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। मरकज़ रोयते हिलाल कमेटी की जानिब से चांद नजर आने की तस्दीक कर दी गई है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्क के तमाम शहरों में कल पहला रोजा होगा। एक मरतबा फिर से आपको बताते चलें कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है, कल पूरे मुल्क में पहला रोजा होगा। आइए आपको रोयते हिलाल कमेटी के इजलास की जानिब ले चलते हैं। चलो हम भी छत पर चलते हैं, हो सकता है हम भी चांद को देख लें। ठीक है पापा। माशाल्लाह सुफियान, वो देखिए चांद नजर आ गया। माशाल्लाह। चलो आप सब मेरे साथ चांद नजर आने की दुआ पढ़ो। اللهم أهله علينا باليم والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله। तर्जुमा, ए अल्लाह इस चांद को अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ हम पर तुलू फरमा। ए चांद, तेरा और मेरा रब अल्लाह है। माशाल्लाह, आप सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो। चलो अब हम जल्दी से तरावी के लिए मस्जिद जाने की तैयारी करते हैं। पापा, क्या रोज़ा रखने के लिए तरावी पढ़ना ज़रूरी है? बेटा, रमज़ान की रातों को क़याम करना और अल्लाह की इबादत करना एक अफजल और मुस्तहब अमल है। इससे अल्लाह अपने बंदों को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों को क़याम करे, यानी नमाज तरावी पढ़े, अल्लाह ताला इसके सबका तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा।
पापा, हमारे कारी साहब ने तरावी के लिए एक दुआ भी बताई थी, मगर अब मैं वो भूल गया हूँ। क्या आपको वो दुआ याद है? बिल्कुल, वो दुआ ये है, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिक अल हय अल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا اور عظمت والا اور ہیبت والا اور قدرت والا اور بڑھائی والا اور تسلط والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت ہے، وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار ہے اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے، الہی ہمیں آگ سے بچا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے. پاپا، یہ دعا کب پڑھنی ہوگی؟ بیٹا، یہ دعا ہر چار تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے. پاپا، ये तो मुझे इतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगी, तो मैं आज की तरावी में क्या करूँगा? बेटा, आप इसकी जगह कोई और दुआ भी पढ़ सकते हो. ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में बयान नहीं हुई, इसलिए आप इसकी जगह कोई और दुआ भी पढ़ सकते हो. चलो अली बेटा, अब आप सोने से पहले सुबह के रोज़े के लिए नियत कर लो और मेरे साथ ये दुआ पढ़ो. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. पापा, क्या ये रोज़ा रखने की दुआ है? बेटा, रोज़ा रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कोई ख़ास दुआ तो मंसूब नहीं, लेकिन ये अल्फाज हम रोज़ा रखने के तौर पर पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये है, कल के रमज़ान के महीने के रोज़े की मैं नियत करता हूँ. चलो अब सो जाओ, हमें सुबह काफ़ी जल्दी उठना है. अली बेटा, उठ जाओ, रोज़ा रखने का टाइम हो गया है. उठ गया हूँ. चलो जल्दी से मुँह हाथ धो लो, मैं सहरी बना रही हूँ. चलो बेटा, सहरी ख़त्म होने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, आप जल्दी से खाना खा लो. पापा, सहरी का टाइम कब तक होता है? बेटा, सहरी का टाइम फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक है. जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो जाए और फजर की अजान होने लगे, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा. बाज़ लोग अजान के दरमियान भी चाय या पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है, वैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है. अब अगर किसी ने आज़ान के दरमियान कुछ खा पी लिया, तो उसका रोज़ा शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है पापा. पापा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं? अभी तो नमाज में काफ़ी वक्त है, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा. नहीं बेटा, अगर आप अभी लेट गए तो नमाज के लिए नहीं जा पाओगे, और रोज़ा रख कर सो जाना और नमाज ना पढ़ना, ये तो बहुत ही बुरी बात है. बेटा, असल में रमज़ान का मकसद है हमें नमाज का पाबंद बनाना, रात को कयाम की आदत डालना, नेक अमाल करना और बुराई से बचना है. अगर हम रोज़ा रख कर ये सब कुछ ना करें, तो फिर रोज़ा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. रोज़ा समझ लो कि हमारी एक तरह की ट्रेनिंग है, जिसमें हमने इन तमाम बातों की पाबंदी करना सीखना होता है. ठीक है पापा, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो अब नमाज पढ़ने चलते हैं। मामा मैं स्कूल जाने से पहले ब्रश कर लूं? नहीं बेटा, रोजा रख के ब्रश नहीं करते। लेकिन मामा इस तरह तो मुंह से बदबू आने लगेगी और जो बच्चा सुबह ब्रश करके नहीं आता उसे स्कूल में सजा भी मिलती है। बेटा आपके पापा मसवाक लाए, आप मसवाक से दांत साफ कर लो और मसवाक करने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और मसवाक करना सुन्नत भी है, ठीक है? और अब जल्दी कर लो, आपकी स्कूल वैन आने वाली है। मामा अभी रोजा खुलने में कितना टाइम बाकी है? अभी तो काफी टाइम बाकी है। क्यों, रोजा लग रहा है? जी थोड़ा सा। बेटा रोजेदार का सब्र करना, भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की इबादत करना, उसका शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए रोजेदार के लिए अल्लाह ने बहुत सारे इनामात रखे हैं। आपको पता है जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रेयान है और उसमें से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। इसीलिए बेटा सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रोजेदार की दुआ फ़ौरन कबूल फरमाता है। बेटा रोज़ा रखने के लिए कुछ माशरती पहलू भी हैं। रोज़ा जहां हमें फाका कशी में शुक्र करने की तालीम देता है तो वही दूसरों की भूख प्यास और तकालीफ को समझने की तालीम भी देता है। फिर अल्लाह रमज़ान में जहाँ हमें मुसलमानों का रिस्क बढ़ा देता है वहीं नेकी का अजर भी देता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। मामा जो लोग बूढ़े हों या बीमार हों और रोज़ा ना रख सके तो फिर इनको क्या करना चाहिए? बेटा अगर कोई शख्स आर्जी तौर पर बीमारी का शिकार हो तो वो तो रमज़ान के बाद रोज़े रख सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसमें इलाज की उम्मीद बिल्कुल भी ना हो या फिर वो इतना बूढ़ा हो कि रोज़े ना रख सके तो फिर उसको रोज़े रखने का फ़िदिया देना होगा। लेकिन हाँ अगर कोई रोज़ा रख सकता हो तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो रोज़ा रखे, क्योंकि असल में जो बरकत रमज़ानुल मुबारक में हासिल होती है वो किसी दूसरे महीने में हासिल नहीं होती और आम दिनों के रोज़े रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का बदल नहीं हो सकती। अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल कद्र को रखा है जो हज़ार रातों से बेहतर है। मामा लैलतुल कद्र क्या है? बेटा ये एक बहुत ही मुबारक रात है और जिसमें इशा से फजर तक अल्लाह की ख़ास रहमतों का नुज़ूल होता है और इसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। इस रात को पा लेना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मामा ये रात कब आती है? बेटा ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मौजूद ताक रातों में से एक रात है जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया कि वो कौन सी रात है, तो इसलिए हमें आखिरी अशरे की तमाम जो ताक रातें होती हैं ना उसको इबादत करनी चाहिए, ठीक है? और चलो बेटा आपकी सिपारे पढ़ने का वक्त हो गया है तो आप मस्जिद जाओ और जब आप वापस आओगे ना तो उस वक्त तक अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो कैसे गुजरा मेरे बेटे का पहला रोज़ा? बहुत अच्छा। मामा ने मुझे रमज़ान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कारी साहब ने भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताई। कारी साहब ने हमें बताया कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क को अंबर से ज्यादा बेहतर है, और ये भी बताया कि अल्लाह ने रोजादार के लिए दो खुशियाँ रखी है। एक खुशी उसे तब मिलेगी जब वो रोजा अफ्तार करेगा और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। माशाल्लाह आज तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो अली बेटा अब बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरे साथ रोजा इफ्तार कर लो। चलो अब मेरे साथ रोजा खोलने की दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु
ए अल्लाह, मैंने तेरे ही वास्ते रोज़ा रखा और तेरे ही रिज्क से इफ्तार किया। ذهب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله। प्यास ख़त्म हुई और रगें तर हो गई और अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब कायम हो गया। पापा, ये दुआ तो रोज़ा खोलने से पहले पढ़नी चाहिए थी। नहीं बेटा, इस दुआ को रोज़ा खोलने के बाद ही पढ़ना चाहिए, जैसे कि इसके तर्जुमे से भी जाहिर है। अल्लाह हम सब का ये रोज़ा कबूल फरमाए और हम सब को इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।